What up humans, this is Ajinkya and welcome back to my channel. बहुत खुशी का दिन आज मेरे लिए because बहुत दिन बाद राइड के लिए निकल रहा हूँ मैं and my destination is near Lonavala. So this is today's plan. बहुत ज़्यादा सही लग रहा है because बहुत दिन बाद एक तो राइड करने वाला हूँ मैं and also एक बात है कि I'm not riding alone. मेरे साथ और भी कोई है, उससे मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा. मेरे साथ और एक जन जो आ रहा है उसने फटे लेट कर दिया, ठीक है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 11:15 नाउ. हम लोग ने सोचा था कि सुबह 8:30-9 बजे निकल जाएंगे, सो वी आर ऑलरेडी लेट. मेरे ख्याल से हम लोग लोनावला 1:30 बजे तक पहुँच जाने चाहिए. अभी सिर्फ गियर्स पहनने और निकलना है. सो लेट्स गो, आई सी यू ऑन द बाइक. So we all set to move now and let's go. Yo, it's a pleasant day today. I hope aise hi pleasant rahe aage bhi. So we are exiting Dombivli right now and traffic nahi chahiye, nahi to bahut zyada late ho jayega aage jaake. Yahan se right leke hum log Shilfada jayenge aur fir wahan se decide karna hai ki hum log ko exactly kaun sa route lena hai. मैंने बैग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आगे माउंट किया है. हमेशा पीछे करता हूँ पिलियन सीट पे, लेकिन अभी पिलियन सीट खाली नहीं है मेरा, इसलिए आगे माउंट किया है. बट ठीक है, 15-20 मिनट्स में एडजस्ट हो जाएगा. आई जस्ट होप आगे जाके ट्रैफिक ना लगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट एंड ट्रैफिक लगा तो 4 बजे के पहले हम लोग नहीं पहुँच सकते लोनावला. सो हम लोग को पनवेल जाना है पहले, इसलिए शिलफाड़ा से लेफ्ट ही लेके जाने का सोच रहा हूँ मैं. थाने बेलापुर रोड से भी जा सकते हैं, आगे जाके हाईवे ही टच करता है वो रोड भी, बट वो लॉन्ग कट है. सो यहाँ से लेफ्ट लेना है एंड आई होप द रोड इज़ गुड बिकॉज आगे कुछ सीन दिख रहा है मेरे को यहाँ से ही. डैम, लुक एट दिस शिट मैन. फुल जाम है. यह हाईवे पूरा जाम है. मैंने सोचा था यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे बट अभी जाना पड़ेगा थाने बेलापुर रोड से. सो रॉन्ग वे से ही जा रहा हूँ मैं, गॉट नो अदर ऑप्शन. और यहाँ से वो शिलफाड़ा का छोटा सा पहाड़ चढ़ के जाना है. ग्लोव ना अभी इतने देर के लिए मैंने पहना नहीं था क्योंकि वैसे भी 30-40 का स्पीड चल रहा था. सो बाय द वे दिस इज थाने बेलापुर रोड और यही सीधा जाएगा हाईवे जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. तो एक राइट लेना पड़ेगा हम लोग को बिकॉज एक्सप्रेस वे तो ले नहीं सकते, बाइक चलाऊंगी वहाँ पे. सो एट कलमबोली जंक्शन नाउ राइट ले रहा हूँ यहाँ से बिकॉज ये सीधा रोड एक्सप्रेस वे जाता है जो ले नहीं सकते हम लोग. और ये जो रोड है वो पनवेल से होकर आगे ओल्ड मुंबई हाईवे पे निकलेगा. सो टुक अ शॉर्ट ब्रेक, बस मन किया इसलिए रुक गए. ऐसी ग्लेयर्स खरीदे 100-100 रुपये के एंड लेट्स गो. एट पर्स से फाटा नाउ राइट लेंगे तो मुंबई गोवा हाईवे आएगा और यहाँ से सीधा जाएंगे तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे.
सो रीच्ड खोपोली और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे पेट में, लेकिन अभी बस कुछ ही समय बाकी है और ये जो बंदा दिख रहा है वो आई एम अ राइडर लग रहा है। बहुत डेंजर गाड़ी चला रहा है। एंड हियर कम्स द खंडाला घाट, सो आई विल सी यू गाइज अप। ऑलराइट, ये आया एक्सप्रेसवे और मेरे ख्याल से यहाँ से राइट लेंगे तो कुछ किलोमीटर्स तक बाइक्स अलाउड है टिल लोनावला। वहाँ से एक एग्जिट आएगा और बाइक्स को वापस ओल्ड हाईवे ज्वाइन करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो लेट्स नॉट टेक द रिस्क और इसी रोड से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लुक एट दिस, फाइनली ऊपर आ चुके हम लोग, खंडाला घाट चढ़ चुके हम लोग और यहाँ पर एक लोकेशन है जहाँ पे सारे राइडर्स या फिर जो लोग इस रूट से ट्रैवल करते हैं वो सब आके रुकते हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत सही लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। सो आई विल सी यू गाइस देयर। All right, so अभी मुझे लगता नहीं मुझे इस लोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज सब लोगों को पता है यार। सो आई एम अबाउट टू रीच लोनावला नाउ एंड दिस इज द व्यू, दैट इज द मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, दिस इज माई बाइक फुल्ली लोडेड। सो ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम लोगों को कहा था कि मेरे साथ और भी कोई है एंड इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस हर, हियर इज शी। हाय, व्हाट अ ह्यूमन। सो ये है सानिका मेरी खास और मेरे साथ फर्स्ट टाइम आई है किसी राइड पे और मैं भी उसके साथ फर्स्ट टाइम आया हूँ किसी राइड पे। सो अभी तक तो बहुत सही था एंड दिस इज गोइंग टू बी फन बिकॉज हम लोग पहली बार राइड पे आए हुए हैं, इसके पहले हम लोग ने कभी ऐसा इतना लॉन्ग डिस्टेंस का राइड किया नहीं था। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लोनावला भी है फिर भी वो लॉन्ग डिस्टेंस ही है बिकॉज किया ही नहीं था इतना लंबा राइड कभी। एंड स्टार्टिंग में ना मतलब उसने थोड़ा लेट किया, वो बात तो है कि इसकी वजह से लेट हुआ था हम लोग को, लेकिन पनवेल तक ठीक था। पनवेल के आगे जो ट्रैफिक लगा, पनवेल और निकलने के टाइम पे शिलफाड़ा पे ट्रैफिक, तो उसमें हम लोग का डेढ़ एक घंटा गया और आगे एकदम स्मूथ था, आगे रोड एकदम सॉर्टेड था। Now it's time to go to Rupesh Misal because फटे 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 भूख लगा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो चाय पी के निकली थी, मैं कॉफ़ी पिया था। सो ये चला और मैं ना पूरा पसीने से नहा चुका हूँ बिकॉज इतना गर्म हो रहा है ना अंदर और ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा है। इट इज़ 2:00 राइट नाउ और शायद से हम लोग 2:30-2:45 तक रुपेश मिसल पहुंच जाएंगे। कीप वॉचिंग। ऑल राइट गाइस, सो हियर इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रुपेश मिसल एंड लुक एट दिस, यही है वो जगह जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी थी।
और अभी जाएंगे अंदर और मिसल खाएंगे। चलो तुम लोग भी। ऑलराइट सो थोड़ा ऐसा हिल जाएगा बिकॉज ये मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैं। मेरे GoPro की बैटरी डाउन हो चुकी है एंड लुक एट दिस। एंड लुक हूज़ हियर। सो ये मेरा दूसरा खास है जिसका नाम है नीरज। नीरज मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल वाला फ्रेंड है मेरा। वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बोलते ना, वो लेवल का सीन है। तो मतलब स्कूल में हम लोग एक साथ थे। हम लोग पिछले 8-9 साल से एक साथ है और वो अभी यहाँ पे आया मिलने के लिए। सो वी आर गोइंग टू एंजॉय द मिसल नाउ। ऑल्सो यहाँ पे सानी का भी है और वो सही जगह, मतलब छोटा सा जगह है लेकिन पब्लिक बहुत आ रहा है। मतलब इंटरेस्टिंग होगा ये, अभी ट्राई करने जा रहा हूँ मैं इसको। तो लेट्स सी कैसा है। ये ना एक्चुअली देख के ना वैसे बहुत फीका लग रहा है मेरे को ना। एक्चुअली GoPro ही यूज़ करना चाहिए बिकॉज ना अभी बहुत कैमरा और स्क्रीन ऐसा देख रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा जो बैटरी है और एक बैटरी है वो बाइक के अंदर है और बाइक का जो बैग है ना वो पूरा पैक है एकदम। ऑल राइट। और ये पाव भी ना सादा नहीं है, मतलब ये ना पूरा ऐसा सेक के दिया लोगों ने, शायद से तेल पर सेका होगा। बहुत सही है, ठीक है वो। एंड आई कैन से कि इट वाज वर्थ कमिंग ओवर हियर। सो ये लोग को पूछते कैसा लगा। अच्छी है, अमेजिंग, हार्डली थोड़ी टिकट है। हां बहुत है, तो मिसल खूब चाना है। एक्चुअली बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है और स्पाइसी है, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। स्पाइसी नहीं रहेगा तो फिर वो मूड नहीं होता है, हाँ फिर वो मिसल ही नहीं है। तो समझ रहे तुम लोग, मतलब नीरज और सानी ने अप्रूव किया, मतलब किया। तो गाइज मिसल के साथ छाछ तो बनता है, सो एक छाछ ऑर्डर किया है एंड लेट्स सी कैसा है। मजा आ गया मेरे को। ओहो ट्राई था कर, ट्राई करूँ बुक, तेरा इरादा चेंज हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, मिसल और चाय सही है कि मिसल और छाछ सही है, कमेंट में बताओ मेरे को। बिकॉज ये मिसल और चाय मेरे को ना थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मिसल के साथ ताकि जाना चाहिए कॉम्बो में, क्या लगता है तुम लोगों को बताओ मेरे को। ठीक है चलो ये लोग को भी पूछते क्या लगता है लोगों, मिसल और चाय क्यों और मिसल और छाछ क्यों नहीं। बिकॉज मिसल और जब चाय पीते हो जो ऑयलीनेस रहता है थ्रोट में, ये साइंस घुसा रहा है यहाँ पे। और ये नेचुरल है कि जब मिसल खाते हैं तो सब लोग चाय पीते हैं। 100% श्योर, 90% आप लोग चाय कहोगे। लेट्स सी अब सानी का क्या कहती है। यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है एंड इट्स गोइंग टू बी अ क्विक मिसल रिव्यू। इट वॉज एक्चुअली वेरी वर्थ इट, मतलब यहाँ पे आना वर्थ था। जैसे कि पुणे में लोग मटकी वाला मिसल खाते हैं तो यहाँ पे मिसल में मटकी था, बहुत सही था। मतलब वो जो तरी था, वो जो रस्सा था, दैट वॉज वेरी स्पाइसी। बट दे सर्व यू विथ कर्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में, कर्ड रहता है, नींबू रहता है, कांदा रहता है, कांदा तो मेन है, कांदे के बिना हो नहीं सकता कुछ, और काकड़ी रहता है और साइड में और थोड़ा सा मटकी रहता है, बॉइल्ड मटकी। सो इनकेस तुम लोगों को अगर तीखा लग जाए तो यू कैन हैव इट इन बिटवीन। सो मुझे ये कहना था कि आज का दिन वैसे कितना प्यारा है। मतलब आज मैं सानिका के साथ राइड कर रहा हूँ, आज नीरज भी मिला मेरे को बिकॉज नीरज स्टेज इन पुणे ना, ही यूज्ड टू स्टे एट टिटवाला फर्स्ट और अभी पुणे में शिफ्ट हो गया है वो। ग्रेजुएशन जब स्टार्ट हुआ तभी से, सो वो भी पुणे से मिलने को आया। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी है आज, डिक्सी का बर्थडे है। विश कर दे उसको। सो या Happy birthday, Dixie! Happy birthday, Dixie!
एंड इसी नोट पे आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग नाउ. आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फैमिली, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो गाइज, कॉमेंट भी करो और बताओ मेरे को कैसा लगा. आई सी यू, तो शेयर करो गाइज. या सो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय, पीस.